ऐसे लग रहा है यहाँ पे एक स्कीम और होनी चाहिए, खाने के बाद आपको उठा के आपकी गाड़ी में डाल दिया गया है। वेलकम बैक टू निशाज रेनबो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंद्रधनुष के रंग निशाज रेनबो के संग। ये मैं करवा रही हूँ आपको दिल्ली दर्शन। तो दिल्ली कोई स्पेसिफिक जगह मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ, बट हाँ ले कहीं ज़रूर जा रही हूँ। डेस्टिनेशन हमारी कहीं है जहाँ हम पहुँचने वाले हैं, और ये रास्ते का मुझे अच्छा लग रहा था, थोड़ा सा धूप थोड़ा सा छाँव, तो कुछ स्पेशल बिल्डिंग्स जो हैं उनको मैंने कैप्चर कर लिया गाड़ी में बैठे बैठे। तो घर बैठे बैठे आप भी करिए दिल्ली दर्शन। दिल्ली हम लोगों का जाना बहुत कम हो पाता है गाइस, क्योंकि मिस्टर हस्बैंड को छुट्टी नहीं रहती और ऐसा कुछ खास काम रहता नहीं हमारे पास कि हम दिल्ली जाएं। तो जो भी चीज़ें होती हैं वो लोकल मार्केट या यहाँ पे नोएडा में इतने सारे शॉपिंग मॉल्स हैं कि सब सारी ज़रूरतें वहीं से पूरी हो जाती हैं यार। बट हाँ मन तो करता है। चलिए हम पहुंच गए हैं सीपी। तो बहुत से लोगों को ये नज़ारे बिल्कुल हूबहू याद होंगे क्योंकि वो यहाँ अक्सर आते होंगे, बट हम कभी कभी आते हैं। चलिए आज एक स्पेशल जगह ले चल रही हूँ। हेलो, हम लोग कनॉट प्लेस आए हुए हैं। फर्स्ट टाइम हम लोग का फर्स्ट टाइम विजिट है। इतने सालों से हैं यहाँ पे, बट मुझे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। फर्स्ट टाइम यहाँ कोई रेस्टोरेंट ट्राई करने आए हैं, पहली बार आए ही हैं घूमने। ऑर्डर 2.1, यस ये है रेस्टोरेंट जहाँ पे हम लोग जाने वाले हैं। कुछ स्पेशल सुना है मैंने इस रेस्टोरेंट के बारे में, तो वहीं आपको भी लेके चल रही हूँ। और देखिए ये स्टेयर से ऊपर जाते हैं, और यहाँ पे ये जो पिक्चर्स लगी ना ये चैलेंज टाइप का है यहाँ पर, कि ये देखिए ये बाहुबली थाली मैं आपको दिखा रही हूँ, ये चैलेंज थाली है। तो इसको हर कोई नहीं खा पाता है, और इसके क्या क्या चैलेंजेस और हैं वो मैं आपको चलिए अच्छे से डिस्क्राइब करती हूँ। पहले मैं खुद डिटेल में पूछ लूँ, फिर आप लोगों को भी बताती हूँ। और यहाँ पे कुछ कॉर्नर्स थे जो मुझे अच्छे लग रहे थे, तो मैंने वहाँ पे पिक्स क्लिक कर ली। और बस यूँ ही अकेले ही पोज दे रही हूँ रेस्टोरेंट में, और कोई नहीं, अभी हम ही हैं। तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ले रहे थे कि क्या क्या टाइप की थालियाँ हैं यहाँ पर जो फेमस हैं। तो पहली इन्होंने बताई हमें कि यूनाइटेड थाली है, जिसमें जम्मू कश्मीर टू कन्याकुमारी हर स्टेट का कुछ ना कुछ स्पेशल रहेगा, वो यूनाइटेड थाली है। नेक्स्ट जो हमने आपको दिखाई थी बाहर बाहुबली थाली, उसका डेमो लगा हुआ था, तो वो है बाहुबली थाली। उसी के साथ में बाहुबली थाली का ही चैलेंज भी होता है इनके यहाँ, और वो होता है मंडे टू फ्राइडे, सैटरडे संडे को नहीं होता है ये चैलेंज। और 8.5 किलो खाना ये प्लेट में सर्व करते हैं थाली में, और उसको दो बंदों को खाना होता है 40 मिनट के अंदर। तो 40 मिनट के अंदर जो भी दो बंदे इसको 8.5 किलो खाना फिनिश कर लेते हैं, उन्हें 8.5 लाख रुपए इनाम मिलता है। वो आप चाहें तो कैश ले सकते हैं और चाहें तो चेक ले सकते हैं। तो हम लोग तो डर गए भाई, इतनी बड़ी थाली सुनकर ही 8.5 किलो खाना कम नहीं होता गाइस। और मैंने अपनी क्यूरियोसिटी के लिए पूछा भी कि क्या कभी किसी ने विन किया है या नहीं, या आपने ऐसे ही रखा हुआ है टाइम पास के लिए। तो बताया इन्होंने कि एक बार बहुत पहले किसी ने जीती थी ये रकम, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस जिसने भी जीता यार, बड़ी मेहनत का काम है 40 मिनट में 8.5 किलो खाना ख़त्म करना। तो चलिए हमने तो ऑर्डर कर दी अपनी बाहुबली थाली, तो आपको हम दिखाने वाले हैं कि हम पूरा उसको फिनिश कर भी पाए या। इतना खाता होगा देखना, ट्राई करना है अब तुम्हें, फिनिश करना है पूरा।
खड़े होके। क्या क्या है इसमें? कैसी फीलिंग आ रही है? बहुत एडवेंचरस फीलिंग आ रही है और बहुत टेंशन, बहुत एक्साइटमेंट भी, बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। सर जी आप बताएं, देख के कुछ हो रहा है? बहुत ज्यादा कुछ कुछ प्रेशर में है। सीरियसली गाइस, इतनी बड़ी थाली पहली बार देखी है यार। ओ माय गॉड, इतना हम लोग खा पाएंगे या नहीं? लेट अस सी। ओके, ये बिफोर आफ्टर दिखाएंगे। बिफोर के बाद आफ्टर दिखाएंगे। तो जरूर आइएगा, ट्राई जरूर करिएगा, बहुत एक्साइटिंग थाली है। देखते हैं हम कहाँ तक पहुँचते हैं। फिनिश नहीं हो पाया, बस रोटी और स्टार्टर्स फिनिश हुए हैं और सारी चीज़ें बची हैं। सारी सब्जियां भी खत्म हुई, सारी सब्जियां काफ़ी हैं। बिल्कुल हालत टाइप की हो रही है, ऐसे लग रहा है यहाँ पे एक स्कीम और होनी चाहिए। खाने के बाद आपको उठा के अपनी गाड़ी में डाल दिया जाए। बिल्कुल बुरे तरीके से फुल हो गए हैं। देखा ही नहीं होगा, खाना तो छोड़ो, है ना, इतनी बड़ी थाली हमने देखी भी नहीं। सीरियसली गाइस, और कोई भी डिश का ना टेस्ट रिपीट नहीं था, टेस्ट बहुत अच्छा था, बहुत ऑसम, बढ़िया। कैसा रहा सर जी एक्सपीरियंस? बढ़िया ना, मस्त। हम लोग जब यहाँ आए दोस्तों, तब पूरा का पूरा रेस्टोरेंट खाली था और अभी देखिए पूरा भरा हुआ है। तो अच्छी स्ट्रेंथ रहती है यहाँ पर। और अब चलिए लौटते हैं। यहाँ पर देखिए शाहरुख खान और सलमान खान का स्टैचू लगा हुआ था, उनके केवल सर का। तो वो भी हम लोग देख रहे थे कि इनको यहाँ क्यों टांग रखा है। और अब चल दिए हम घर की तरफ, बहुत बढ़िया और लाजवाब खाना खाने के बाद अब घर की तरफ रवानगी है। तो चलिए आप लोगों से फिर घर पे मिलते हैं। गाइस हम लोग वहाँ से निकले सर से मिलने के बाद, तो दोपहर का टाइम था, फिर लंच भी हमने सीपी में किया। इतने सालों से हम रह रहे हैं यहाँ एनसीआर में, बट अभी सीपी हम लोग कभी ऐसे अकेले घूमने नहीं गए। गए भी तो मेरा छोटा भाई है, उसके साथ कभी चले गए, और वो भी बस एक आध बार। हम वहाँ पे, मुझे वेटिंग सिस्टम अच्छा नहीं लगा सीपी में, कि अगर आपको लंच या डिनर करना है तो आपको वेट करना है, वो सिस्टम मुझे नहीं अच्छा लगता था। तो आज हम लोग जस्ट ऐसे ट्रायल में गए थे और लंच वहीं पे किया। पूरा खाली था, पूरा रेस्टोरेंट खाली था, बट हमारे आते आते वो पूरा भर चुका था। तो जैसा कि आप लोगों ने सीन में भी देखा होगा, और वहाँ से हम लोग बाहुबली थाली खा कर आए हैं। रियली बहुत ही अच्छा टेस्ट था गाइस। हर एक आइटम, इतने सारे आइटम्स थे, लेकिन एक भी ऐसा नहीं था कि या तो बासी लग रहा हो या तो या उसका टेस्ट बिल्कुल दो तीन डिशेस का एक जैसा हो, ग्रेवी सेम यूज़ कर ली हो, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल फ्रेश खाना था और बहुत बढ़िया, बिग लाइक। चलिए आप लोग अगर दिल्ली एनसीआर में है तो जरूर जाकर ट्राई करिएगा गाइज, मैं पर्सनली रेकमेंड करूंगी। और वहाँ पे थाली के और भी ऑप्शन हैं, तो आगे हम लोग फर्दर भविष्य में कभी भी जाते हैं तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना, अपनों का पूरा पूरा ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय एवरीवन।